हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया हो गए यार। मुझे ऑफिस में ना दूसरों के काम करने पड़ रहे हैं। मेरा खुद का काम इतना टफ है, पर अपना काम छोड़ के मुझे दूसरों का काम करना पड़ता है। अभी ब्रेक हुआ है, घर मेरा नज़दीक है तो सोचा कि जाता हूँ, खाना खा के आता हूँ। यहाँ पे एक कुत्ता रहता है, अभी देखो अभी भी भौंक रहा है। जब भी मैं निकलता हूँ, सुबह जाता हूँ या शाम को, या जितनी बार भी निकलता हूँ, भौंकने लगता है। एक दिन क्या हुआ था, ये मतलब कि भौंक रहा था। यहाँ का जो ऑनर है इस डॉग का और ये जिनका घर है, तो वो मुझे रास्ते में वहाँ पे मिले थे। मेरी कंपनी के पास ना सब्जी सब्जी लगाते हैं, उनके खेत हैं, तो वहाँ पे मिला था। तो वो बोलने लगे कि आप ही निकलते हो ना कि जब रोज़ मेरा कुत्ता भौंकता है। मैंने कहा हाँ। पूछ रहा है कि वो रोज़ सही करता है ना, मतलब कि ज़्यादा शोर मचाता है। मैं कहा नहीं, ठीक है, अभी वो जानता नहीं है इसलिए करता है, जानने लगेगा जब डेली तो नहीं करेगा। तो फिर उसने पता क्या हुआ, उसने मतलब कि सब्जी सब्जी लगा रखी है अपने खेत में और खीरे वगैरह लगा रखे थे। मुझे फिर एक दिन खीरे और टमाटो सब कुछ तोड़ ताड़ के दिया सब्जी, कहता है कि ले जा। मैं कहा चल यार, आज की सब्जी का तो जुगाड़ हो गया। गांव में रहने का यही फ़ायदा है, आपको लोग थोड़ा सा फ्री मिल जाएंगे और आपसे बातचीत करने के। लेकिन मेरे यहाँ पे तो अभी कोई दिखता नहीं है, क्योंकि अभी नया नया हूँ ना इसलिए। और ऐसे ही मतलब कि आप कहीं पर आते जाते हैं तो आपको देसी खाना खाने को मिल सकता है, सब्जी सब्जी मिल जाती है। उसने काफ़ी ज़्यादा मुझे सब्जी वगैरह तोड़ के दे दी थी, जो कि अभी भी पड़ी 3-4 दिन से। भूख लगी यार बड़ी तेज से, रात में कुछ खाना बनाया नहीं था मैंने, अब कुछ है नहीं इस टाइम पे। सोच रहा हूँ आमलेट बनाते हैं, खाते हैं, फिर जाते हैं फिर से काम पे लग जाते हैं। एक्चुअली ना मेरे ऑफिस में एक लड़का आ रहा है इंडियन, उसकी जॉब है कैड की, ऑटो कैड होता है ना, जो 3D डिजाइन करते हैं कुछ प्रोडक्ट वगैरह, तो वो आ रहा है। तो अभी वो वीजा वगैरह अप्लाई कर रहा है अपना, अभी मतलब कि जिस कंपनी से मेरा जिन्होंने इंटरव्यू कराया था उन्होंने उसका भी कराया है, बट वो जापान में नहीं है, वो अभी इंडिया में है और उसकी इंडिया से जॉब प्लेसमेंट हुई है। तो उसका ना जो कैड का जॉब है, तो मेरे ऑफिस में अभी एक नया सॉफ्टवेयर शायद वो लेके आए हैं, पहले पुराने यूज करते थे, तो उसके नए सॉफ्टवेयर जिस कंपनी का है तो वो कंपनी ने इंस्टॉल करके हमारी कंपनी ने ट्रेनिंग दे रही है। तो 3 दिन ट्रेनिंग है उसकी, तो आज दूसरा दिन है मेरा ट्रेनिंग का। तो वैसे मेरी जॉब तो कैड वाली है नहीं है, जो मेरी जॉब है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। और सब कुछ यार नया नया है, मतलब कि नए वर्ड आते हैं जो कभी सुने नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। हाँ, इसमें ना जो ये अभी नया वाला सॉफ्टवेयर है, इसमें समथिंग 20-30% इंग्लिश भी है। तो जहाँ पे इंग्लिश वाला ओपन हो जाता वो तो समझ में आ जाता, पढ़ ही लेता हूँ, बताए ना बताए, लेकिन जहाँ पे पूरी जैपनीज है वो समझ में आती नहीं है। तो मुझे तो भाई साहब इतना नींद आ रही है ना, इतना नींद आ रही है मुझे कि हद से ज़्यादा मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होता है, फिर इधर अभी लंच खत्म होगा तो लंच के बाद फिर 4 बजे तक। तो जो मेरा काम है वो तो मैं कंप्यूटर में बैठ के अपना करता रहता हूँ, तो उसमें नींद तो आती है यार, क्योंकि मेरी ना सोने की थोड़ी सी आदत ख़राब हो गई थी। अभी उस टाइम पे मैं मतलब कि जब कुछ कॉलेज भी नहीं था मेरा और काम होता था मेरा, और भाई तो पार्ट टाइम जॉब होती वो होते थे 1 बजे से, तो उसमें मैं 11-12 बजे तक सोता था, 10-11 बजे तक, क्योंकि रात में वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता था तो रात में काफ़ी देर तक जगता रहता था, तो सुबह सोता था। तो अब वही आदत पड़ी है यार, तो अब इस टाइम पे यहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही भाई, तो सुबह जगना पड़ता है 5 बजे, तो इतनी नींद आती है। मैं सारा दिन में कम से कम 5-7 कप ब्लैक कॉफ़ी पी जाता हूँ। वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा थोड़ा सा आमलेट ब्रेड जल गई, कोई बात नहीं, थोड़ा जला हुआ टेस्ट आता है खाने में, तो खा लेंगे हम भी। अब वो जो इंडियन बंदा आ रहा है ना, उन्होंने कंपनी ने मुझे बोला कि वो जब नया आएगा यहाँ पे तो अपने रूम पे उसको रख लेगा। तो वैसे तो यार मैं अकेले रहने वाला बंदा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मुझे लगा कि चल हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अगर बात है तो रख लूँगा। मैंने बोला कि उसका उसका नंबर दो, कॉन्टेक्ट नंबर, और मुझे उससे बात करनी है, थोड़ा आने से पहले उससे मुझे बात करना है। तो कंपनी ने पता नहीं क्या बोला, कहते कि अभी वो वीजा अप्लाई कर रहा है तो अभी उसका नंबर नहीं दे सकते, बाद में दूंगा। तो मैं क्या यार, अजब यार वो लड़का यार ऐसा है कि मुझे खुद कांटेक्ट नहीं कर रहा, और कंपनी को बोलेगा तो यार नंबर दे देंगे कि जो भी है यार उससे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा बातचीत हो जाती है।
वो भी नहीं कर रहा, बट मैं करना चाहता हूँ तो उसने नंबर नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि यार आने से पहले उससे बात हो जाती तो थोड़ा उसको काम के बारे में समझा देता कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस करके आ, क्योंकि मैं तो किया नहीं कोई प्रैक्टिस प्रोक्टिस तो, बट लेकिन हाँ मैं अभी बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो मैं करता हूँ। तो मुझे लगा कि यार उसको आएगा तो उसको बता दे तो पहले से, बट वो तो कॉन्टैक्ट में ही नहीं है। तो भाई अगर मेरे वीडियो वीडियो अगर देखते हो यार आपसे मुझे कॉन्टैक्ट कर लो इंस्टाग्राम या वीडियो के कमेंट वगैरह में, तो पूछ लो भाई, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है स्टार्टिंग में, तो कॉन्टैक्ट कर लो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पे यूज होता है, तो थोड़ा सीख के आओ उसको, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ तो मुझे अब क्या होता है ना कि मेरा काम भी होता है, 7:30 बजे जाना होता है और अपना काम भी करना होता है। तो जैसे कि कल मैं ऐसे कर रहा था तो सुबह 7:30 बजे कल मैं 1 घंटे पहले चला गया, तो अपना काम खत्म किया, फिर ट्रेनिंग किया, 4:30 बजे तक ट्रेनिंग चली, तो 4:30 के बाद काम करने लगा, तो मेरा बज गया 5:30। तो मुझे फिर मेरा साथी मुझे गुस्सा करता है, कहता है कि अभी ओवर टाइम मत कर, 5 बजे वापस चला जाया कर। और मैं इसलिए मैं भी नहीं लगाना चाहता 5 बजे घर आना है यार, 8 घंटे की ड्यूटी, 9 घंटे बहुत ज़्यादा होते काम करके, पर ये था कि काम मेरा पेंडिंग था तो इसलिए कर रहा था, तो ये ट्रेनिंग के वजह से मेरा भी काम पेंडिंग हो जाता है। तो भाई अगर देख रहे हो वीडियो वीडियो तो कॉन्टेक्ट कर लो यार, थोड़ा आपकी भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। आज तो टाइम ही बड़ा जल्दी निकल गया यार, 1 घंटा पता ही नहीं लगा, जा रहा हूँ अब थोड़ा सा खाया फिर जा रहे हैं, और आज धूप बड़ी तेज़ है यार, आज क्या गर्मी पड़ रही है, अभी तो आँखें नहीं खुल रही, नहीं धूप ऊपर से आ रही है। तो कभी कभी तो यार लगता है ना कि पार्ट टाइम जॉब ही सही थी, एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब में क्या होता है जब मर्जी छुट्टी मार दो या कोई बहाना लगा दो चल जाता है, पर उसमें ब्रेक व्रूक भी टाइम टू टाइम मिल जाता है। अब इसमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है मुझे 12 बजे से 1 बजे तक का, तो निकलते निकलते 5 मिनट हो जाते हैं कंपनी से बाहर और मुझे जाने में लग जाता 7 मिनट, फिर 7 मिनट आने में लगता है और 5 मिनट पहले पहुंचना पड़ता है। मतलब ऐसा कोई रूल तो नहीं लग रहा मुझे कि कोई रूल है, बट ये है ना कि जो और लोग हैं वो खाना खा के तुरंत ही भाई सब अपने काम पे बैठ जाते हैं, तो अब देख के तो यार लगता है यार कि अगला मेहनत कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, कंपनी में तो एक ही है तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ता है। तो परमानेंट जॉब का यार यहाँ पे यही सीन है, और कोई भी जॉब हो ऐसा यार, लेकिन यार भाई तो वगैरह में थोड़ा सुकून होता है। लेकिन एक बात और है कि पार्ट टाइम जॉब में सुकून तो मतलब कि ऐसा होता है कि आप छुट्टी वगैरह कभी भी ले सकते हैं, लेट भी पहुंच जाओ फ़ोन कर दो तो कोई ज़्यादा आफत नहीं आती, लेकिन भाई पार्ट टाइम जॉब और परमानेंट जॉब में बहुत फ़र्क है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, बेनिफिट के साथ साथ आपको जॉब अच्छी मिल जाती है ऑफिस वगैरह के, पर पार्ट टाइम जॉब वगैरह में ना पॉसिबल है बट बहुत कम चांसेस है मिलने के। मेरा जो मालिक है ना कंपनी का, उसने मुझे बोल रखा कि अच्छे से सीख ले और वो जो बंदा आएगा उसे तुझे ही ट्रेनिंग देनी है, तुझे ही बताना है। तो यार मेरा खुद का काम इतना ज़्यादा वो है कि मुझे अपना खुद नहीं मैं सीख पा रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे निहोंगो में करना पड़ता है और जब मैं रूम पे प्रैक्टिस करता हूँ अपने तो वो इंग्लिश में करता हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली इंग्लिश में इसलिए करता हूँ कि अगर निहोंगो में करूँगा तो और भी समझ नहीं आएगा, तो उसमें ये है कि यार निहोंगो में इंग्लिश में करते हैं तो जब यहाँ पे आता हूँ तो इंग्लिश में जहाँ पे ऑप्शन होता है 1 2 3 काउंट करके वहीं पे टिक से मार देता हूँ, तो थोड़ा बहुत काम चल जाता है। और अब जो ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि भाई तो ट्रेनिंग कर और जो बंदा आएगा उसको भी सिखाना, तो अब तो ज़्यादा डबल जिम्मेदारी हो गई है। और यहाँ पे ये है ना कि वो जो कैड वाला बंदा आएगा उसको तो यहाँ पे सिखाने वाले लोग हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे सिखाने वाला कोई नहीं, मुझे अपने यहाँ पे सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैड वाले जो डिजाइनिंग वाले बंदे तो डिजाइनिंग करते हैं तो वो सिखा देंगे, पर मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं है, तो मुझे अपना भी काम करना है और वो ट्रेनिंग करके उसको भी सिखाना है जी। तो बज गए 5, हो गई छुट्टी हमारी, अपने रूम पे आ गए। आज एक अच्छी बात हुई ऑफिस में, अब आगे बताता हूँ आप लोगों को। तो मंडे को मैं छुट्टी में था, मंडे को चला गया था मैं छुट्टी लेके, क्योंकि वो बताया था ना एड्रेस चेंज कराना था मुझे, तो उसके लिए चला गया था मैं। तो मंडे को अब कोई था नहीं, तो किसको काम बताएगा, कौन काम करेगा, मेरे अलावा तो कोई कर नहीं सकता क्योंकि ऑफिस में किसी को पता नहीं है। तो वो मंडे का जो पेंडिंग काम था उसने दे के, मतलब कि पेपर में लिख के एक्सेल शीट वगैरह बना के मुझे टेबल पे मेरे रख के चला गया। जब दूसरे दिन गया मंगलवार को, तो मंगलवार को ट्रेनिंग थी ये जो बताया, तो वो ट्रेनिंग चालू थी मंगल से, तो मंगलवार को मैं पूरा दिन ट्रेनिंग किया, तो वो जो काम कर दे के गया था वो मैंने किया नहीं, और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हालांकि लिखा उसने सारा इंग्लिश में था लेकिन वो क्या करना था वो काम नहीं समझ में आ रहा था मुझे।
तो मेरी भी फट रही थी यार कि ये कल आएगा तो मुझसे काम पूछेगा और अगर साथ में होता तो बता देता ऐसे करना तो कर लेता मैं। तो मैंने काम किया था बट पूरा नहीं किया था। तो जैसे आज आया वो ऑफिस में सुबह नहीं वो 1 बजे आता है, तो मैं देख के मेरी फटी कि यार कल का मैंने काम किया नहीं है, तो पता नहीं देखो क्या होता है। तो जो जिनके साथ मैं ऑफिस में ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मतलब कि जाके तुरंत ही उसको बताया कि उसको मतलब कि कल का काम जो तुम देखे गए थे, एक्चुअली जो ट्रेनिंग मेरे साथ में कर रहा था तो मैं नहीं था, तो उसी को बता के गया था कि ये उसको दे देना जब आएगा। तो उसी ने जाके उसको बता दिया फटाफट कि ये मतलब कि सुबह से कल ट्रेनिंग में था तो ये कल का काम जो दे के गए थे वो काम किया नहीं। तो मैं बच गया यार। तो मुझे अच्छा लगा कि यार मतलब कि ऑफिस में कोऑपरेटिव लोग हैं कि बता दिया उसको पहले से ताकि वो मुझे कुछ बोले ना। हालांकि वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं बट फिर भी यार काम कोई दे के गया तो काम, भाई पैसे ले रहे तो काम तो करने पड़ता। तो फिर उसने ना मुझे कुछ बोला नहीं और बोला कोई बात नहीं आज कर लेगा। फिर भी खींच के लाया तो जब मैंने उसको फोटो एडिट करके सारा दे दिया ना तो वो बड़ा खुश हो गया। तो पहले तो वो खुश हुआ तो अच्छा लगा, बाकी जब मेरा ऑफिस स्टाफ ने मुझे सपोर्ट किया तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं ना जिम ज्वाइन करने के लिए सोच रहा हूँ क्योंकि अब तो यार शाम के टाइम में बहुत टाइम होता है अपने पास। हाँ जी गाइस, तो फिर यार इस वीडियो में यहीं तक, मिलते किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई जापान से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा में या फिर इस वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।